Hi guys, this video is about 60 days planner for Maharashtra Law CET 3 years 2024 examination, exam के डेट 12 और 13 मार्च की फिक्स है. फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी चालू हो गया, उसको लेकर भी आई ऑलरेडी मेड द वीडियो. मैनुअल लॉ एंट्रेंस चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाओ, काइंडली वॉच दैट वीडियो फॉर्म फिलिंग का एंड देन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म. कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ऑल दो आपका जो प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग है बहुत स्मूथ है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. ठीक है, सो काइंडली वॉच दैट वीडियो देन योर फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी जो कि डे वाइज और वीक वाइज होने वाली है, कौन कौन से हर्डल वाले एरिया जहां अपने स्कोर में प्रॉब्लम आएगी उस पर हमें काम करना है. तीसरा, मॉक टेस्ट अलॉन्ग विद योर प्रिपरेशन टू राइट द मॉक टेस्ट. ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो मैं मेनली डिस्कस करूँगा. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सो मेरा सजेशन है कि बुक और पेन लेके बैठो. ठीक है, जो जो मैं बताऊँगा उसको फॉलो करते जाना है, नंबर वन. नंबर टू, हर किसी को भी हेल्प करनी है. जितने लोग सीटी थ्री इयर्स लेते हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दो. अराउंड 50,000 प्लस एप्लीकेंट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्जामिनेशन. हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, 50,000 प्लस ये वीडियो की रीच जानी चाहिए. आइडिया लाइक भी एक ठोक रहा यार, काफ़ी टाइम लगा मुझे ये पूरा टाइम टेबल बनाने में. ठीक है, सो बिफोर आई प्रोसीड आई वॉन्ट कि आपके पास सेट ऑफ बुक्स और मैनुअल की, ये आपकी इंग्लिश की बुक हो गई, ये आपकी लॉजिक की बुक हो गई, तो ये सेट ऑफ फोर बुक्स आपको मिल जाएगी. अगर आपने लाइव या क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री है बुक, जो भी बैचेस के हिसाब से चेक कर लेना आप. और एक दूसरी बुक है, वो है वर्ड पार मेडिजी. इस बुक का कंप्लीट वीडियो, क्योंकि आपके एग्जाम में अराउंड 10-15 क्वेश्चन वो कैप पे आने वाले हैं. आई रिपीट, 10-15 क्वेश्चन आने वाले हैं. ठीक है, कोई भी कोचिंग आपको डिटेल में एनालिसिस नहीं करके नहीं देगा. ठीक है, द बेस्ट पार्ट इज वॉट, इसका पूरा वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है. एवरी ईयर आई एम राइटिंग सीईटी जस्ट टू अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कमिंग अप, वॉट इज अ डिफिकल्टी लेवल एंड ऑन. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. सो दिस वीक आई मेट वन ऑफ द स्टूडेंट एट बोरीवली ब्रांच. शी जॉइंड सम ऑफ द कोचिंग, अदर कोचिंग, और वहाँ पे जीके के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. जीके लास्ट में पढ़ेंगे यार, जीके लास्ट में कैसे पढ़ सकता है कोई, इट इज़ अ वास्ट एरिया, तो आपको डे वन से चालू करना पड़ेगा. तो आपने मेंटरशिप गाइडेंस कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया बहुत मैटर करता है. मार्केट में देयर आर द मेनी यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं सिर्फ एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस ये सब बना बना के, एंड दे आर टेकिंग द एडमिशन. सो नीड टू हैव अ गुड फैकल्टी मेंटर जिसने खुद एग्जाम लिखा हुआ है या क्रैक किया हुआ है, वो आपको बेटर तरीके से गाइड कर पाएगा. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन और ज्वाइनिंग एनी ऑफ द कोचिंग, ये थोड़ा सा ध्यान देना. ठीक है, इफ यू आर ज्वाइनिंग मैनुअल, तो मैनुअल में ऑल द फैकल्टी राइट एग्जाम एवरी ईयर, ये तो रोज हर साल होता है. 2018 ऑनवर्स मैंने सारे एनालिसिस का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड वॉच ऑल दोस वीडियोस, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एग्जैक्टली 60 डेज का टाइम बचा हुआ है अपने पास प्रिपरेशन को लेकर के. अलॉन्ग विद प्रिपरेशन एज आई मेंशन कि मॉक भी आपको लिखते जाना है. एंड या प्रिपरेशन ओरिएंटेड क्लासरूम कोचिंग वी हैव ऑलरेडी लॉन्च. अगर आप मुंबई में हो तो वसई दादर थाने बोरीवली अंधेरी यू कैन विजिट, बट अगर आप मुंबई में नहीं हो तो लाइव क्लासेस 8828581455 या 54 पे यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम. बाकी मॉक सेल्फ स्टडी प्रोग्राम बुक्स वगैरह ऑर्डर करना है तो आपको manuallaw.com/lawentrance पर विजिट कर लो. इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. एंड या लाइव स्ट्रीमिंग भी मैंने चालू कर दिया मैनुअल लॉ वाले चैनल पर, जाके सब्सक्राइब कर लो. यहाँ पे अपडेट, नोटिफिकेशन, कम्युनिटी पोस्ट डेफिनेटली चेक करना. ठीक है, इसके साथ साथ जो भी डाउट एंड क्वेरी आप पोस्ट कर सकते हो उस पर हम लाइव स्ट्रीमिंग एंड वीडियो डेफिनेटली कर लेंगे. ठीक है, सो वंस यू ज्वाइन डू टेक द एक्सेस ऑफ ऑल द वीडियो लेक्चर्स, मॉक एंड अदर रिसोर्सेज. सो वेरी फर्स्ट, आस्क फ्रॉम योर सेल्फ व्हाट इज योर टारगेट. ये आपको पूछना बहुत जरूरी है. जीएलसी मुंबई आपका टारगेट है, आईएलएस पुणे आपका टारगेट है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या टारगेट है. या तो फिर आउट ऑफ 150 100 प्लस का स्कोर लाना है, 110 प्लस का स्कोर लाना है, 120 प्लस का स्कोर लाना है, या 130 प्लस, या सीटी में टॉप मारना है. व्हाट इज योर टारगेट. ठीक है, इट हैज़ टू बी, जो भी कॉलेज आपका टारगेट है उसका कलर प्रिंट आउट निकालो एंड स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी. आपके स्टडी टेबल के सामने फोटो होगा, मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आएगा पढ़ाई को लेकर के. ठीक है, ऑल दो ये सुनने में थोड़ा सा एब्सर्ड लगेगा, थोड़ा सा मैग्लोमैनियक टाइप लगेगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. या ओके, नेक्स्ट इज मस्ट डू थिंग ऑन डेली बेसिस एंड वीकली बेसिस. न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने बोला हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो भी चलेगा. मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से एक न्यूज़पेपर रिकमेंड करता हूँ. अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, इसका पेज वन पढ़ना है एंड एडिटोरियल पेज. पेज वन से जो भी करंट हॉट न्यूज़ है वो मिल गई अपने को, एडिटोरियल पेज से जो भी इश्यूज चल रहे हैं. ठीक है, जैसे कि अभी मालदीव एंड पांडिचेरी का चल रहा है उसको लेकर एडिटोरियल पे आपके कॉन्टेंट आ जाएंगे, तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन डिटेल बनने वाले हैं वो आपका एडिटोरियल से कवर हो जाता है. लाइक इज़राइल पैलेस्टीन हो गया, तो अगेन दैट इज़ अ
इम्पोर्टेंट इशू, इंटरनेशनल इशू, राइट? तो ऐसे ही आप, तो ऐसे जितने भी इशूज़ हैं उसको लेकर के यू विल बी गेटिंग द एडिटोरियल। एक मॉक आपको पर वीक लिखना है। अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई, आपको लग रहा है पर वीक मॉक मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो 10 डेज के गैप पे, 15 डेज के गैप पे एक मॉक लिख लो। बट आई वॉन्ट कि आप एटलीस्ट एक महीने में, मतलब एटलीस्ट जनवरी के महीने में 2 से 3 मॉक तो कवर करो, बाकी का मॉक चाहिए तो फैब में कवर करो। आपके डैशबोर्ड पे 20 फुल लेंथ मॉक आने वाले हैं, ठीक है? इफ़ यू हैव ज्वाइन मेनी वो लाइव और क्लासरूम या सेल्फ स्टडी, आपके डैशबोर्ड पे 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, विच इज़ मोर देन सफिशियंट। 20 × 150, मतलब 3000 क्वेश्चन आप खाली मॉक से प्रैक्टिस करने वाले हो। इस सारे क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स देख लेना, काफ़ी हद तक आपका सीटी के लिए आप रेडी हो जाओगे। एक रीडिंग कॉम्पिटिशन डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले आपके डैशबोर्ड पे लॉग इन करो, आरसी को लेकर के 10+ वीडियोज आर देयर, हाउ टू सॉल्व आरसी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, हाउ टू डील विद द आरसी, हाउ टू क्रैक आरसी, ये सब वीडियो देख लो फिर सॉल्व करना चालू करो, ठीक है? सो आरसी सॉल्व कहाँ से करोगे? आपकी मेनूवर की बुक एक हो गई, और दूसरा डैशबोर्ड पे जब आप लॉग इन करोगे आपको डैशबोर्ड का एक्सेस मिल जाएगा वंस यू ज्वाइन लाइव क्लासरूम और सेल्फ स्टडी, ठीक है? वहाँ पे आपका 500 क्वेश्चन का हैंड आउट दिया हुआ है, वो आपको कवर करना है, ठीक है? एक अरेंजमेंट डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। इसको लेकर 10 to 15 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, आरसी को लेकर भी 10 to 15 क्वेश्चन, तो भाई अच्छे से पढ़ना है। डेली का रिवीजन हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं करते, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक डन बाय मेनी ऑफ द एस्पिरेंट। 50 to 60% जनता यही करती है, सिर्फ सिलेबस कवर करती है। भाई एग्जाम निकालना है अपने को, सिलेबस थोड़ी कवर करना है। सिलेबस तो हम कवर करेंगे ही, बट एग्जाम ओरिएंटेड अपनी रिवीजन प्रिपरेशन सिलेबस ये सब होना चाहिए। तो डेली रिवीजन, पूरा दिन आपने क्या पढ़ा उसका रिवीजन आप शाम को कर लो, पूरे वीक में क्या पढ़ा संडे को रिवीजन होना चाहिए आपका, एंड मंथली, यार मंथ एंड के दिन पूरे मंथ में आपने क्या पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। वो क्या वर्ड पावर मेडिजे एज आई मेंशन, इसका पूरा वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, ठीक है? 20 से 30 मिनट्स का टाइम लगाओ एंड पूरे वीडियो को 2 से 3 बार देख के कवर करना, कम से कम 2 बार तो कर डालो, ठीक है? बिकॉज आपके एग्जाम में वो कैब यहाँ से आने वाले वर्ड पावर मेडिजे से, ओके? एंड डेली प्रैक्टिस, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे वो लॉजिक है, ठीक है, चाहे वो जीके है, चाहे वो इंग्लिश है, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस रिवीजन होना ही चाहिए। ये काम आपको डेली बेसिस पे करना है गाइस, ठीक है? और राइट, नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेटेज वर्सेस टाइम कंज्यूमिंग एरिया, या तो हडल बोल लो आप, यहाँ पे आपका टाइम जाने वाला है या तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? नंबर 1 पे है आपका स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, 40 मार्क्स के लिए आएगा, 40 क्वेश्चन, ठीक है? ये सबके लिए बहुत बड़ा हडल है, कुछ भी पूछ सकते हैं। स्टैटिक के क्वेश्चन लास्ट 2 साल से ज़्यादा पूछ रहे हैं कंपेयर टू करंट अफेयर्स। लोग पूछते हैं करंट अफेयर्स कितना पढ़ना, मैं 1 साल बोलता हूँ। तो आपका एग्जाम मार्च में है तो फैब में पेपर बन चुका होगा, तो बेटा जनवरी फैब 2023 से लेके जैन 2024 तक का करंट अफेयर्स कवर कर लो, सेफर साइड के लिए 1 साल का। आइडली 6 मंथ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट मैं सेफर साइड के लिए 1 साल का बोलता हूँ, ठीक है? दूसरा स्टैटिक जीके, भाई इसको लेके पूरे वीडियो दिए हुए हैंड आउट्स, पहले वीडियो देखो, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी आपने चालू किया उसका वीडियो देखो, फिर हैंड आउट गो थ्रू करो। और 500 क्वेश्चन का दिस ईयर एट मिनिमम व्हाट वी हैव डन, सिंस वी आर राइटिंग एग्जाम एवरी ईयर नो, सो दैट इज वाई क्वेश्चन को एनालाइज करके 500 क्वेश्चन का हमने मॉक ही बनाया हुआ है। तो सारे बच्चे इतने लोग 3 and 5 years के हैं, उन सबको ये बेनिफिट मिलने वाला है, मॉक लिखना। ये सारे हॉट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? इसका मॉक आपको लिखना है, ओके? कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन से पकड़ के चलो, 10 to 15 का वेटेज। तो हाँ, इसलिए मैंने एक आरसी आपको डेली का लगा के रखा है, न्यूज़पेपर रीडिंग पर डेली काम करने को बोला है, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे आपका स्कोर नहीं बनेगा अगर डे 1 से काम नहीं किया तो। अगर ये आपने फॉलो किया तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करने वाले तो प्लीज़ यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन यू नो स्टॉप द वीडियो, बट अगर ये फॉलो करोगे तो अच्छा है, बट अगर आप ये फॉलो करने वाले हो तो वीडियो आगे देखने का सेंस बनेगा गाइस, ठीक है? क्रिटिकल एंड वर्बल रीजनिंग, ये 60 to 70% जनता करते भी नहीं है, बहुत सारे कोचिंग वाले भी छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं इसको टीच कैसे करना, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। बिकॉज इस टॉपिक का प्रॉब्लम है एक्यूरेसी, अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है तो 3/5 या 4/5 आ रहा है, यू आर द गॉड ऑफ दिस एरिया, 5 में से 5 आपका राइट नहीं होने वाला, बिकॉज पेपर पेपर जो सोच रहा है, जो आप सोच रहे हो वो हमेशा मैच नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम है इस टॉपिक का। 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंसिस, 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कोर्स ऑफ एक्शन कॉज एंड इफेक्ट भी कर लेना। अरेंजमेंट 10 to 15 क्वेश्चन, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट आता ही आता है ये, और एक डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 टाइप के अरेंजमेंट जो आपको अच्छे से करने हैं। तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग बोल लो या तो फिर हडल वाला एरिया बोल लो, तो ये एरिया पे काम करना है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे, और ये आपके 15, और ये आपके 2-3 पकड़ लेते हैं, तो ये आपका हो गया 40+, ये 15 हो गए 55, और ये आपके 10, और ये आपके 2-4, ठीक है? तो रफली हम पकड़ लेते हैं कि 15 क्वेश्चन रफली और है, ठीक है?
रफली 60 to 70 मार्क्स आपका ट्रबल में है इस टॉपिक से, और यहाँ पे अगर आपने स्कोर नहीं किया तो बाकी के एरिया में तो आप स्कोर कर लोगे। ट्रेडिशनल लॉजिक में स्कोर आ जाएगा आपका, लीगल में आ जाएगा, लीगल में भी लीगल जीके वाले क्वेश्चन थोड़ा कर लेना, वो भी अभी लास्ट 1-2 साल से आ रहे हैं तो वो भी काम करना पड़ेगा अपने को। ठीक है गाइस, तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब आते हैं वीक वाइज टाइम टेबल। ठीक है, तो अगर आपके पास मेनुअल के डैशबोर्ड का एक्सेस है जहाँ पे सारे वीडियो अवेलेबल है तो आपके लिए पूरा टाइम टेबल बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, वीक वन फर्स्ट 7 डेज जीके से हमें पॉलिटी पढ़ना है, लॉजिक से हम 2 टॉपिक करेंगे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, इंग्लिश से हम ग्रामर करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन आप डेली बेसिस पे से सॉल्व कर ही रहे हो, मैंने यहाँ पे भी डाल दिया। इनफैक्ट मेरा सजेशन तो ये है कि आप 26 जनवरी का टारगेट ले लो कि पूरा इंग्लिश का वीडियो देख के मैं खत्म करूँगा। मैं मेरे डैशबोर्ड पर लॉग इन करो, 10-12 घंटे में आपके पूरे वीडियो देख के हो जाएंगे। ठीक है, 26 जनवरी का टारगेट ले लो, पूरा इंग्लिश का वीडियो देख के खत्म करो। ऑल दो मैंने यहाँ पे टाइम टेबल में मेंशन किया हुआ है वीक वाइज में, बट अगर आप पहले खत्म कर पाते तो और अच्छी बात है। जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसका टॉपिक टेस्ट और एनालिसिस वो आपको विदाउट फेल करना ही करना है। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, एवरीडे वी आर टचिंग ऑल द एरिया, जीके, लॉजिक, इंग्लिश। ठीक है, स्टैटिक जीके मैंने डे 1 से ले लिया है, और इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स भूलना मत। करंट अफेयर्स आप हर वीक में 1 महीने का करंट अफेयर्स उड़ाना चालू कर दो। यू कैन स्टार्ट विद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, तो ये पहले अटैक करना चालू करो। इसका पहले क्या करोगे, हैंडआउट देखोगे करंट अफेयर्स का, फिर वीडियो। ठीक है, स्टार्टिंग में उल्टा करना है, पहले वीडियो करना है फिर हैंडआउट्स करना है। आपको बुक जो दिया हुआ है वो अगर कर सकते हो ठीक है, अदरवाइज मॉक पे आ जाओ। 500 क्वेश्चन का जो मॉक है इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब आते हैं वीक 2 पे। वीक 2 में आपको हिस्ट्री कवर करना है, लॉजिक से कोडिंग डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन पे काम करना है, इंग्लिश में एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड करेक्शन, बाकी आपका टॉपिक टेस्ट एंड एनालिसिस ये काम करना है आपको। ठीक है, फॉलोड बाय वीक 3, ऑल द ज्योग्राफी वीडियोस, रैंकिंग वीडियोस लॉजिक से, डायरेक्शन वीडियोस लॉजिक से, इंग्लिश का फिलअप, पैराग्राफ जंबल, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। आप वर्ड पावर मेड इजी रोज कर ही रहे हो तो वोकैब में प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आने वाली। बाकी आपके जो मैनुअल के बुक में वोकैब दिया है वो अच्छे से कर लेना, बिकॉज वो सारे वो वोकैब जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, हाई चांस है रिपीट होने का। ठीक है, टॉपिक टेस्ट एनालिसिस, और एवरी वीक आपको संडे को एक फुल लेंथ मॉक लिखना है। ठीक है, मैंने वीक 2 में भी बोला हुआ, वीक 1 में भी बोला हुआ है, आपको हर वीक में एक एक फुल लेंथ मॉक लिखना है। यू कैन सी हियर, ये आपका वीक 1 था, ये आपका वीक 2 है, और ये आपका वीक 3 है। फुल लेंथ मॉक आपको कवर करना ही करना है, और इसकी एनालिसिस 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे लगाओ एनालिसिस में, मतलब 4 से 5 घंटे आपके जाएंगे मॉक लिखने में, एनालिसिस करने में। ठीक है, एनालिसिस कैसे करोगे, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया था पहले जाके उसको सॉल्व करो। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए हैं फिर जाके उसको देखो कि भाई यहाँ क्या लॉस हुआ है, यहाँ पे क्या गलती की आपने, वहाँ पे टाइम और मार्क्स दोनों का लॉस है। और जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं वहाँ पे देखो कि आपने टाइम कम लगाया या ज़्यादा लगाया, क्वेश्चन 30 सेकंड में बन सकता था आपने 1 मिनट लगा दिया, तो ये ध्यान देना है। वीक 4 के अंदर आपका इकोनॉमिक पे काम करना है, स्टैटिक जीके, लॉजिक के सिलॉग, वेन डायग्राम, ठीक है, और इंग्लिश का आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, एंड ऑल दिस टॉपिक टेस्ट एंड एनालिसिस, अगेन फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो ये आपका वीक 4 हो गया। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो मेरा, यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन। अगर आप लेट देख रहे हो ये वीडियो को तो उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर लेना। ठीक है, वीक 5 में आपका मिसलेनियस जीके, लाइक अवार्ड हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, कंट्री कैपिटल हो गया, लॉजिक से आपका इनइक्वालिटी, क्लॉक एंड कैलेंडर वाले क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो कैप, स्पेल चेक, लीगल चालू कर दिया अभी हमने यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे काम करेंगे 2 टॉपिक, बाकी टॉपिक टेस्ट एंड रिविजन एनालिसिस ये काम करना है अपने को। और राइट, नाउ वीक 6, ऑल द जीके रिविजन, जो भी आपने अभी तक स्टैटिक जीके कवर किया हुआ है। हो सकता है एक वीक में आपका हिस्ट्री कवर ना हो या तो पॉलिटी कवर ना हो, तो जो बच गया है आपका वो आगे अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजाइज कर लेना। ठीक है, लॉजिक में एक वीक मैंने पूरा क्रिटिकल रीजनिंग को दिया है, अजम्पशन, इन्फ्रेंस, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन। लाइकवाइज इंग्लिश में आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया एंड रिविजन, इंग्लिश आपका इंग्लिश आपका वीक 6 तक खत्म हो जाएगा। फिर लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, IPC हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, ये सब कवर करना है, टॉपिक टेस्ट एंड एनालिसिस। ठीक है, ऑल राइट, तो वीक 7 में आपका जीके रिविजन चालू हो गया है। लॉजिक में क्यूब एंड डाइस देख लेना, ये देखो मैथ्स वाला टाइप का क्वेश्चन है, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, ये थोड़े मैथ्स वाले क्वेश्चन है। इसलिए मैंने बोला है कि 3 ईयर्स में मैथ्स नहीं आता, बट स्पीड मैथ्स कर लेना भाई,
लास्ट ईयर एजेस को लेके क्वेश्चन आया था, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जो मैथ्स का टॉपिक है. ऑल्दो इट वाज इजी, बट बेसिक मैथ्स तो अपने को पता होना चाहिए. स्क्वायर 1 to 30 तक का पता होना चाहिए, क्यूब आपको 1 to 20 तक का पता होना चाहिए, टेबल 1 to 20 तक का पता होना चाहिए. इतना काम कर लेना, बेसिक है. आपके स्पीड मैथ्स में सब दिया हुआ है. इंग्लिश का रिवीजन, लीगल में सिविल लॉ, लीगल मैक्सिम, लिमिटेशन एक्ट, टॉपिक टेस्ट एनालिसिस एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट. ठीक है, हम वीकली बेसिस पे एक एक फुल लेंथ मॉक लिखते जा रहे हैं. ओके, सो ऑल्दो आई हैव मेंशन कि एक एक मॉक लिखना है, बट आपको इन द मंथ ऑफ फेब मॉक की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. कम से कम आपको 2 to 3 मॉक लिखना पड़ेगा पर वीक. कम से कम 2 मॉक पर लिखना ही लिखना है. ठीक है, तो जाके आप मार्च तक पूरे 20 मॉक खत्म कर पाओगे. तो मॉक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप फुल लेंथ मॉक भी लिख सकते हो. ठीक है, और लिखना ही पड़ेगा आपको फैब मंथ में. तो पर वीक आपको 2 to 3 मॉक लिखना पड़ेगा. मार्च मंथ में आप ये मान के चलो कि 12-13 को एग्ज़ाम है, तो अपना जो मॉक लिखने का प्रोसेस है वो 8 या 9 तारीख को ख़त्म हो जाना चाहिए. मतलब ये मेरा लास्ट डे होना चाहिए मॉक का. उसके बाद मुझे मॉक नहीं लिखना, उसके बाद मुझे रिविज़न करना है, एनालिसिस करनी है, इस पर काम करना है. ठीक है, तो आप मार्च मंथ में तो कंटिन्यू एक एक मॉक पर डे लिखना चालू कर देना है आपको, जो रिमेनिंग मॉक होंगे आपके. सो वीक 8 इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, इनपुट आउटपुट देख लेना, इंग्लिश रिविजन, लीगल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पार्टनरशिप LLP, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ. ठीक है, तो इन सब का वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है. सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट प्लानर गाइस फॉर नेक्स्ट 60 डेज. अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आप अच्छा करोगे. GLC IELTS जाने का चांस है हमारा, 120 प्लस लाने का स्कोप है. जितने लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो और ये क्वेश्चन है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं लिख के बोलता हूँ कि भाई डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो. ठीक है, बाकी पैचेस को लेके ऑल दिस डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. मैनुअल लॉ एंट्रेंस, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, बिकॉज यहाँ पे अपडेट नोटिफिकेशन, इनफैक्ट मैं खुद लाइव आने वाला हूँ चैनल पे, सो दैट आपको और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी. ठीक है, बाकी वीडियो लेक्चर्स, बाकी डैशबोर्ड से वीडियो लिखना चालू कर दो, जो मैंने आपको बताया पूरा प्लानर, और प्रैक्टिस करना चालू कर दो. और अगर आपको कुछ डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो. शेयर दिस वीडियो टू everyone सो दैट अदर पीपल शुड also बी benefited फ्रॉम दिस वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स क्रैक CET विद द गुड स्कोर. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.